अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्ट्रीट फूड इंडिया। तो आज हम आए हैं, आए नहीं हैं, बुलाया गया है। इतना शानदार मौसम है आज दिल्ली का, इस मौसम के मज़े लेने आए हैं चांदनी चौक पर। चांदनी चौक पर बहुत ही ज़्यादा फेमस, यहाँ का बहुत ज़्यादा बिकने वाला, जहाँ एक ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ होता है, आज हम वो डोसा ट्राई करने आए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आज हम आपको इस मौसम के अंदर इसी डोसे का हम भी आपको लुत्फ उठाते हुए नज़र आएंगे। तो चलिए चलते हैं, डोसा ट्राई करते हैं और बताते हैं आपको कैसा है इसका टेस्ट। और डोसे के साथ यहाँ की चाय भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, चाय लेंगे। आओ, आपको इस मौसम के साथ डोसे जैसी चीज़ हो और चाय हो तो बात ही क्या हो जाएगी फिर। तो आइए डोसा और चाय ट्राई करते हैं। डोसा खाने यहाँ के ऑनर रहे हैं जिनसे डोसा लगवाते हैं। डोसा लगाइए, एक अपना पनीर वाला, एक पनीर मसाला डोसा। देखो साफ करा है इन्होंने। ये ऊपर तेल लगाया जिसके अंदर फिलिंग होगी उसको देखने के लिए। ये आलू, इसके अंदर क्या क्या है? ये प्याज आ गई, इसमें भुना हुआ मसाला है इसका। ये पनीर, ये पनीर डाल रहे हैं, ये पनीर इन्होंने क्रश करके डाला और ये इनका सांभर यहाँ तैयार हो रहा है। ये लगता बड़ा जबरदस्त रहा है, गाढ़ा गाढ़ा है, पतला नहीं है। ये इन्होंने फोल्ड कर दिया, जो ट्रायंगल बना दिया इसका, ट्रायंगल डोसा। ये है रेडी ट्रायंगल डोसा। तो भाई ये है डोसा, अब डोसे को ट्राई करते हैं और बताते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है ये, साइड में तो इसके कुछ भी नहीं है, अभी साइड खाली है। तो इसको रख कर बीच वाला हिस्सा तोड़ेंगे पहले। ये आ गया बीच का हिस्सा जिसमें आलू वगैरह सब है इसकी, और पनीर की क्वांटिटी अच्छी खासी डाली है इन्होंने पनीर। इसको ट्राई करते हैं आपको कि कैसा है इसका टेस्ट। चलिए, ये काफ़ी बड़ा हो रहा है, फिर ट्राई करते हैं इसको इसमें डुबा कर और ये चटनी रख कर और इसमें डिप करेंगे। वो पहले चटनी ली वो तो उसके अंदर रह गई, दोबारा डिप करनी पड़ी है। तो ट्राई करते हैं, बहुत गर्म है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा क्रंची, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत चटपटा है। दूसरा निमारा लेते हैं इसका, रूखा ट्राई करते हैं कि ये बताएंगे कि इसके फिलिंग में मिर्चें हैं या ज़्यादा सांभर में। रूखा खाने में भी टेस्ट काफ़ी अच्छा है, और अब सांभर पीते हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सांभर है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। इस मौसम में ऐसी चीज़ मिल जाए तो मज़ा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आज बारिश की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा रश कम है, ये तो एक ऊपर एक लदा हुआ होता है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अभी हमने चाय मंगाई है, चाय आ रही है, चाय के साथ इसका लुत्फ उठाएंगे। भाई चाय भी आ गई है, शुक्रिया भाई। चाय को हाथ में पकड़नी पड़ेगी नहीं तो गिर जाएगी, क्योंकि ढलान है स्कूटी में। चाय भी बहुत गर्म है, बताते हैं कैसी है चाय। चाय भी अच्छी है, इसकी जो पापड़ी है ना, ये चाय के साथ ट्राई करते हैं, चाय के साथ ट्राई करते हैं। ये लेते हैं एक इसका निवाला, चाय से लेंगे। बहुत ज़बरदस्त,
बहुत ज़बरदस्त। अब इसको जल्दी से फिनिश करते हैं और इंशाल्लाह जल्दी से फिनिश कर आप सभी से दोबारा मुलाकात करते हैं, फिनिश करते हैं इसको। तो भाई हम तो खाली डोसा खाने आए थे, इन्होंने कहा हमारी पाव भाजी भी टेस्ट करें, पाव भाजी टेस्ट करवाते हैं। ये इनका पाव बहुत ज़्यादा बटर में लथपथ है, देखते हैं, बटर ही है, बटर की आ रही है। और ये इनकी भाजी, ये इनकी भाजी है। अब ट्राई करते हैं पाव भाजी इनकी, पाव बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। और ये नींबू डालते हैं पाव भाजी में, भाजी में पहले। ये भाजी, मटर वगैरह नज़र नहीं आ रही भाजी में इनके, है मटर भी है। ये रही, ये बना लिया हमने बाइट, ट्राई करते हैं, बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है इसका। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। बटर, बटर की स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत टेस्टी पाव भाजी है। एक बाइट और लूँगा। ये ले लिया एक बाइट, थोड़ी सी खटास की ज़रूरत है, नींबू डालूँगा। अब प्याज अलग से नहीं, प्याज इसके साथ रखूँगा। ट्राई करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। आज तो मौसम का बहाना था, मौसम ले आया खींच के, सिर्फ ये चीज़ें ट्राई करवानी हैं, बहुत ज़बरदस्त। अब ये चीज़ें ख़त्म करें तब आपसे मिलते हैं, जब बातचीत करेंगे इसको फिनिश करते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करें। तो डोसा और क्या कहते हैं, डोसे के बाद पाव भाजी ट्राई करने के बाद आपसे अलविदा लेने आए थे, लेकिन अलविदा लेते लेते मूड बन गया इस मौसम को होते सर आते आइसक्रीम खाने का। अब आइसक्रीम खाने चलते हैं, आइसक्रीम खाकर आपको बताएंगे। यहाँ एक नई दुकान खुली है बल्ली मारान के पास, आइसक्रीम खाएंगे और उसका टेस्ट बताएंगे आपको कैसा है, बहुत ज़बरदस्त। आइसक्रीम खाने चलेंगे। तो आ गए हैं यहाँ पर आइसक्रीम ट्राई करने हम, वहाँ डोसा और पाव भाजी के बाद आइसक्रीम का मूड बना था, आइसक्रीम ट्राई करने आ गए। यहाँ आए हैं सॉफ्टी सिंह आइसक्रीम पर। तो ये सॉफ्टी सिंह आइसक्रीम के ओनर हैं। वेलकम जी। सर ओनर हैं, नाम क्या है सर आपका? मेरा मिस्टर रामफल फोगाट। रामफल फोगाट नाम है। तो यहाँ सामने कब आए बल्ली मारान के? वन मंथ हो गया, एक महीना हो गया। एक महीना इनको यहाँ शॉप ओपन करे हुए हो गया, और यहाँ इन्होंने आइसक्रीम की दुकान खोली है। और ये बता रहे थे अभी ऑफ कैमरा मुझे कि जो दंगल फिल्म आपने सबने देखी होगी आमिर खान वाली, उसमें जो कैरेक्टर है गीता फोगाट, बबीता फोगाट, उन्हीं के फैमिली से, फोगाट फैमिली से हैं। तो बता रहे थे ये भी पहलवान रह चुके हैं, बॉडी बता रही है इनकी। तो पहलवान साहब की आइसक्रीम ट्राई करते हैं आप, निकालिए सर। कौन सा फ्लेवर? बटर स्कॉच निकालिएगा सर। मेरा ये आ गई है हमारी बटर स्कॉच आइसक्रीम, बटर स्कॉच फेवरेट फ्लेवर है मेरा, बहुत ज़बरदस्त। ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं कैसा इसका टेस्ट, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है। यहाँ आए हैं बल्ली मारान के जस्ट सामने इन्होंने दुकान खोली है। ये कौन सा होटल है, नया दुकान खुला है? नाम का नहीं पता, इसका नाम ऑफ साइड में है, द चौक रेस्टोरेंट के सामने बिल्कुल इनकी शॉप है। यहाँ दोपहर में विजिट करें। आपकी शॉप ओपन होने का टाइम क्या है? सुबह 11 बजे ओपन हो जाती है। 11 बजे ओपन हो जाती है। और क्लोजिंग का? क्लोजिंग 12 बजे नाइट में। 12 बजे रात का क्लोजिंग टाइम है। यहाँ आएँ, इनकी आइसक्रीम मस्त ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम है, ठीक है। और अब मिस्टर फोगाट से अलविदा लेते हैं,
और हम भी आपसे इसका अलविदा लेंगे। वेलकम सर, आइसक्रीम है सर, बहुत आते रहिए, वेलकम आपका। आपको तरक्की मिले, यहाँ आपने शॉप खोली है, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू। तो इसी आइसक्रीम के साथ, इसी शानदार मौसम के साथ अब आपसे विदा लेने का टाइम है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं प्लीज़, और शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, सब जगह शेयर करें हमारी वीडियोस को और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।